हे गाइस, दिस इज हेवड़ी क्यू एन ए सेशन 42, जिसमें आज दोबारा से आपके कुछ कमेंट और रिप्लाइज को पिक करके आए हैं। और हाँ, आज इस वीडियो में बहुत कम कमेंट्स हैं, जैसे कि आप वीडियो की टाइमिंग भी देख रहे होंगे। इसके अलावा उसका रीज़न ये है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो प्रीवियस वीक था उसमें आपके लिए रेगुलर वीडियो देखने को नहीं मिली। मैं यहाँ पर अपना आईफोन 10 को सेल भी कर चुका हूँ और इसी तरह से वीडियो में रेगुलरिटी नहीं ला पा रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बट कंटेंट बहुत सारा है, आप थोड़ा सा वेट करिए, ये बहुत ज़्यादा हद हो चुकी है। एक्सेप्टेड, बट थोड़ा सा आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करिए, जल्दी जल्दी आपके लिए चैनल पर रेगुलर वीडियो देखने को मिलेगी। इसके साथ के भी कुछ यहाँ पर डाउट्स और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, तो वीडियो को आप एंड तक देख सकते हो। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो पसंद आएगी। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते साथ यहाँ पर फर्स्ट रिप्लाई आता है सर स्मोक जी की तरफ से, जो यह बोलते हैं यहाँ पर कि बैटरी हेल्थ को कैसे कांस्टेंट रख सकते हैं आईफोन की, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बिकॉज ऑफ यहाँ पर जैसे ही आप आईफोन को यूज़ करते हो तो वो थोड़ी बहुत तो बैटरी ड्रेन होगी, उसमें सर्कल्स क्रिएट होंगे और उसके बाद आपकी बैटरी को अफेक्ट पड़ेगा। बट यहाँ पर जैसे कि मैंने देखा, जो मेरे पास जो आईफोन 10 आ रहा है उसकी बैटरी हेल्थ मेरी 100% हो चुकी है दोबारा, वो मुझे नहीं पता कैसे, बिकॉज ऑफ वो यहाँ पर लॉस्ट हो गया था और 5 से 6 महीने उसको जो स्विच ऑफ किया था वो बंदा, तो उस वजह से हो सकता है कि उसकी दोबारा से 100% बैटरी हो गई। जिससे आप अभी वीडियो देख रहे हो ये उसी से शूट हो रही है और उसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी देख रहे होगे। ये बहुत पुराना सेट हो चुका है, मतलब कि इसको अभी 6 to 7 months हो चुके हैं इसको बाय किए हुए, और उसके बावजूद इसकी बैटरी हेल्थ पहले तो ड्रेन हुई थी, बट जब ये बंदे ने चोरी किया और चोरी करने के बाद यहाँ पर ये स्मार्टफोन 3 से 4 महीने ऑफ रहा, तो उस वजह से यहाँ पर 100% बैटरी हेल्थ हो गई दोबारा। अब मेरे को इसका एग्जैक्ट तो नहीं पता रीज़न, बट मैं इसको ट्राई करूँगा क्या ऐसे रखने से बैटरी हेल्थ इंक्रीज होती है। बट जो भी है मैंने आपके सामने शेयर किया, इसके साथ साथ ऐसा कोई भी रीजन नहीं है जहां पर आपकी बैटरी हेल्थ कांस्टेंट हो जाए। बिकॉज अब आप स्मार्टफोन को यूज करोगे तो थोड़ी बहुत तो बैटरी में चेंजेस आएंगे, वो एक नेचुरल प्रोसेस है बैटरी के रूप में। इसके अलावा नेक्स्ट रिप्लाई यहां पर आता है सुरेन जी की तरफ से, जो है बोलते हैं यहां पर इनके लिए कंफ्यूजन है आईफोन 7 और आईफोन 8 को लेकर। ये यह पूछना चाह रहे हैं कि दोनों में से किसका कैमरा बेटर है, किसकी परफॉर्मेंस बेटर है और किसका बैटरी बैकअप बेटर है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर परफॉर्मेंस के बेसिस पर आईफोन 8 की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेहतर होगी आईफोन 7 के कंपैरिजन में। बिकॉज ऑफ iPhone 7 में आपके लिए यहाँ पर Apple का A10 Fusion चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर 16 नैनोमीटर पर बेस्ड है, और जो iPhone 8 आता है उसमें आपके लिए 10 नैनोमीटर पर बेस्ड Apple का A11 Bionic चिपसेट देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ कैमरा की, तो कैमरा में भी आपके लिए जो iPhone 8 है उसकी परफॉर्मेंस बेटर देखने को मिलेगी सॉफ्टवेयर बेसिस पर। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ बैटरी बैकअप का, तो वो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वो आपके लिए iPhone 7 का बेटर देखने को मिलेगा, क्योंकि iPhone 7 में आपके लिए 1900 mAh के अप्रोक्स की बैटरी आती है और iPhone 8 में आपके लिए यहाँ पर 1800 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। बट हाँ, ये भी है कि iPhone 8 आपके लिए थोड़ा बहुत ओवर प्राइस देखने को मिल सकता है और iPhone 7 आपके लिए एक एग्जैक्ट प्राइस पर देखने को मिल जाता है। मतलब कि iPhone 7 के कंपैरिजन में आपके लिए कोई ऐसा बेटर स्मार्टफोन नहीं है जिसके लिए मैं रिकमेंड करूँ, बट यहाँ पर iPhone 8 के सामने आपके लिए iPhone 7 Plus भी देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ पर कैमरा क्वालिटी और यहाँ पर बैटरी बैकअप के रूप में इससे बेहतर हो सकता है। तो उस वजह से आप वहाँ पर उसको सिलेक्ट कर सकते हो, बट अगर आपका यहाँ पर बजट कम है तो आप iPhone 7 के लिए जा सकते हो। इसके अलावा कुछ कमेंट हमारे पास YouTube वीडियो की तरफ से आते हैं, जिसमें फर्स्ट कमेंट आता है यहाँ पर मोहम्मद सोहेब जी की तरफ से, जो है बोलते हैं यहाँ पर कि iPhone 8 Plus कैसा है स्मार्टफोन है, बहुत सारे यूट्यूबर्स इसको यूज़ में ले रहे हैं। तो मैं इससे एग्री हूँ कि iPhone 8 Plus एक बेटर डिवाइस है, बिकॉज ऑफ उसमें आपके लिए 3 GB की रैम देखने को मिलती है, बेटर कैमरा क्वालिटी देखने को मिलती है, यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो भी बेटर देखने को मिलती है और बैटरी बैकअप भी आपके लिए बेटर देखने को मिलता है। बट यहाँ पर मैं क्यों इसको रिकमेंड नहीं करता किसी बंदे के लिए, वो यहाँ पर यही टॉपिक आता है कि जो iPhone की 8 सीरीज है उसके साथ थोड़ा सा ऐसा देखने को मिलता है कि वो थोड़ा ओवर प्राइस है। बिकॉज ऑफ उसके कंपैरिजन में यहाँ पर आईफोन 10R आता है मार्केट में, लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्राइस हो सकता है, बट अगर जब हम आईफोन 10R से 8 प्लस को कंपेयर करते हैं तो वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है, डिज़ाइन के तौर पर भी, बैटरी बैकअप के तौर पर भी, कैमरा क्वालिटी के बेसिस पर भी। तो इसी तरह से आईफोन 8 प्लस को मैं इसीलिए रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज ऑफ वो जिस प्राइस रेंज में आता है उसके कंपैरिजन में आपके लिए और भी बेहतर स्मार्टफोन सामने है मार्केट में, इस वजह से मैं रिकमेंड नहीं करता। बट फिर भी अगर आप एक आईफोन 8 प्लस को बाय करना चाह रहे हो तो वो एक बेटर डिवाइस है, बट वो जिस प्राइस पे आता है तो वहां पर आप किसी और डिवाइस को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट कमेंट यहां पर आ रहा है गाइस यशवंत जी की तरफ से, जो यह बोलते हैं यहां पर कि यहां पर क्या आईफोन SE प्लस का यहां पर वेट करना चाहिए या आईफोन 10R को बाय करना चाहिए। तो मैं आपको यहां पर सिंपली बता दूं कि आप यहां पर चाहो तो आईफोन 10R को ले जा सकते हो, बिकॉज ऑफ जो आईफोन SE 2020 है उसका जो प्लस मॉडल आएगा उसमें ऐसा पता चल रहा है कि उसमें आपके लिए एप्पल का A13 बायोनिक चिपसेट ही देखने को मिलेगा, जो कि यहां पर 2019 का चिपसेट है और इसके साथ वो लॉन्च होगा 2021 में, तो उस टाइम तक ये बहुत
ज्यादा पुराना हो जाएगा। वो यहाँ पर ओवर प्राइस भी देखने को मिल सकता है क्योंकि आईफोन ऐसी भी यहाँ पर थोड़ा बहुत ओवर प्राइस आया तो ऐसी प्लस तो यहाँ पर थोड़ा और ऊपर जाएगा। तो इसके बेसिस पर आप चाहो तो यहाँ पर चाहो तो आईफोन 11 को परचेस कर सकते हो लॉन्ग टाइम के हिसाब से, जो कि आराम से आईफोन ऐसी प्लस को बीट कर देगा। उसी के कंपैरिजन में आप चाहो तो आज मार्केट में आईफोन 10R को भी पिक कर सकते हो, जो कि आपके लिए एक बेटर डील रहेगी। बट आप यहाँ पर ऐसी प्लस के लिए वेट ना करें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा बिकॉज ऑफ वो एक बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस नहीं है, बिकॉज ऑफ वो थोड़ा बहुत ओवर प्राइस हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर आ रहा है मानव जी की तरफ से, जो है बोलते हैं यहाँ पर इनके लिए आईफोन 10R देखने को मिला है 52,500 रुपीज में 128 GB, और इसी के साथ यहाँ पर 67,500 रुपीज में आईफोन 11 देखने को मिला 128 GB। तो ये यह पूछते हैं यहाँ पर कि इनकी मदर को कौन सा स्मार्टफोन देना चाहिए, कौन सा इनके लिए बेटर रहेगा। तो मैं यहाँ पर ये रिकमेंड करता हूँ, अगर आप यहाँ पर मदर को देना चाह रहे हो स्मार्टफोन तो आप यहाँ पर चाहो तो आईफोन 11 को अगर आप परचेस कर सकते हो तो मैं आपके लिए उसी के लिए रिकमेंड करूंगा। बिकॉज ऑफ अगर यहाँ पर मदर यूज करती है इस प्रोडक्ट को तो वो यहाँ पर आराम से 3 से 4 साल स्मार्टफोन को यूज करेंगी, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर जो आईफोन 11 होगा वो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। उसकी जो परफॉर्मेंस है वो आपके लिए लॉन्ग टाइम के हिसाब से आईफोन 10R के कंपैरिजन में बेटर देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ आईफोन 10R पहले जरूर एक बहुत ज्यादा इफेक्टिव स्मार्टफोन था, जिस टाइम पर ये 45 और 43,000 में आता था, और उस टाइम पर यहाँ पर आईफोन 11 65,000 में लॉन्च हुआ। अब यहाँ पर लगभग 10 to 15,000 का डिफरेंस है, तो उसके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ लॉन्ग टाइम के हिसाब से आपके लिए जो आईफोन 11 है वो 1 से 2 साल ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा 10R के कंपैरिजन में। तो आप अपनी मदर के लिए यहाँ पर आईफोन 11 को परचेस कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर आ रहा है गाइस नील कुमार जी की तरफ से, जो है बोलते हैं यहाँ पर कि सेलवेडी क्या मेरी वीडियोस को स्पॉन्सर करता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज मैं आपसे यहाँ पर क्लियरली बता दूं कि कुछ ऐसी वीडियोस हैं जैसे मैंने यहाँ पर सेलवेडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर की है तो वो थोड़ी बहुत स्पॉन्सर हो सकती है। वो भी था यहाँ पर अनवाइज्ड था सेलवेडी के साथ। इसके साथ साथ जो भी यहाँ पर अनबॉक्सिंग वीडियो थी वो टोटली अनवाइज्ड थी, यहाँ पर वो बिल्कुल भी स्पॉन्सरशिप वाली वीडियो नहीं थी, तो आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो। जो भी चीज़ थी, जैसा मैंने बॉक्स खोला वो आपके सामने था, उसमें मैंने कुछ भी ऐसा छुपाया नहीं है, और जो भी चीज है मैं आपसे यहाँ पर डायरेक्टली शेयर करता हूँ। मैं फिर भी आपके लिए बता दे रहा हूँ कि सेलवेडी के जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर रिफर्बिश्ड मार्केट के बहुत बेटर प्रोडक्ट हैं। जैसे कि अगर हम कंपेयर करते हैं टू वुड से या किसी और प्लेटफॉर्म से, उसके कंपेरिजन में जो सेलवेडी का प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा बेहतर है। और इसके साथ साथ बट वहां पर भी थोड़े से कॉन्स हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूँ उनकी जो कस्टमर केयर सर्विस है वो यहाँ पर बेटर नहीं है। इसके साथ साथ जो एसेसरीज हैं उनमें आपके लिए यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करने को आ सकती है। जो आपके स्मार्टफोन के साथ वारंटी आती है वो वहां पर थर्ड पार्टी से रिलेटेड वारंटी मिलती है, इस वजह से आपके लिए उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना होगा। अदरवाइज जो प्रोडक्ट की कंडीशन है वो यहां पर टॉप देखने को मिलती है, तो इसी वजह से आप चाहो तो सेलवेडी से प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो। और यहां पर मैं ये कहूंगा कि 50,000 से ऊपर का अगर आपका बजट है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करता हूं यहां पर आप चाहो तो ऑफिशियल स्टोर पर जाके या आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हो। इसके अलावा लास्ट कमेंट यहां पर आ रहा है गाइस केशव जी की तरफ से, जो है बोलते हैं यहां पर कि मैं गिव अवे कब प्लान करने वाला हूं। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने थोड़ा बहुत प्लान किया था कि फर्स्टली जो मेरे यहाँ पर टारगेट हैं, जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में शेयर किया कि यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर जो 10 to 15 वीडियोस है फर्स्टली मैं उसको अपलोड कर दूँ। और यहाँ पर मैं फिर भी एक चीज आपसे शेयर कर देता हूँ कि जैसे ही यहाँ पर मैं मैकबुक प्रो 2020 को परचेस कर लूंगा और उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो आपके सामने अपलोड कर दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर गिव अवे को प्लान जरूर करूंगा, तो उसके बाद आपके लिए वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। अब देखते हैं उस टाइम के हिसाब से मैं किस चीज का गिव अवे करता हूँ, बट यहाँ पर चैनल पर जल्द से जल्द गिव अवे जरूर होगा। तो उसके लिए नीचे दिए गए रेड बटन को हिट कर दीजिए, जिससे जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूं तो आप वीडियो को देख सकें और यहां पर जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन करके रखें। इसके अलावा मैं आपसे बात करता हूं तो गिव अवे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, उसमें थोड़ा बहुत क्राइटेरिया होगा जिसके बारे में मैंने यहां पर बहुत ज्यादा प्लान भी किया है आप लोगों के लिए। बट यही बात आती है, मैंने यहां पर कंटेंट क्रिएट तो कर लिया बट स्टोरेज का थोड़ा बहुत इशू आ रहा है, तो उस वजह से वीडियो को उतनी स्पीड से यहां पर एडिट नहीं कर पा रहा हूं। वेट कर रहा हूं मैकबुक का, तो जल्दी जल्दी मैकबुक आ ही जाएगी और उसका भी आपके लिए वीडियो देखने को मिलेगा, और उसके बाद जो गिव अवे आएगा वो आपके लिए ही होगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा स्मार्टफोन से रिलेटेड एडवाइस के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां पर भी आप उनसे डाउट्स को शेयर कर सकते हो, मैं वहां पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा हाजिर हूं। इसके साथ साथ लाइक द वीडियो, कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आगे मिलते हैं किसी नई वीडियो में।